जय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे यूपीएसआई की वैकेंसी की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो अपडेट में आपको यही खुशखबरी देने वाले हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए चूंकि रास्ता पहले क्लियर हो गया था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि वैकेंसी कब से आ रही है। सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। लंबे समय का जो इंतजार आपका है वो खत्म हो चुका है। अब आपको अच्छी से तैयारी करके एक सीट आपका अपना पक्का करना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों इसकी वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी, और 2021 के बाद से इसकी वैकेंसी अभी तक देखी नहीं गई थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि वैकेंसी आपको कब से आ रही है, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसा अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार आपको वैकेंसी आ रही है कितने पदों पर, तो 2469 पदों पे बंपर वैकेंसी है, बड़ी संख्या है दोस्तों। 2469 आपको एसआई की पद की वैकेंसी कम नहीं कहलाएगी, बहुत अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होता है दोस्तों, मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो आप किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप जो है आर्ट्स से हो, या फिर आपने बीकॉम किया हो, आपने बीसीए किया हो, ठीक है। तो आप जो है कुछ भी किए हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। तो बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों, आप इसके लिए कमर कस लीजिए। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चों का लंबे समय से वेट था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो पिछली वैकेंसी में अपीयर भी हुए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, थोड़े से इधर उधर होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उनके लिए तो गोल्डन मौका है दोस्तों, सुनहरा अवसर है। आप इस अवसर को भुनाइए और इस बार अपना एक सीट पक्का कीजिए। आइए दोस्तों, यहां पर एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए, जो एज लिमिट होता है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, मिनिमम आपका 21 साल तो सबके लिए, मिनिमम एज आपका 21 साल सबके लिए। मैक्सिमम की बात कर लें तो जनरल हो ईडब्ल्यूएस हो, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपको रहता है 28 वर्ष। अगर आपके टेकरी में आते हैं तो आपको एज में छूट देखने को मिलेगा। आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिलता है, और वही अगर आप एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा। मतलब एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज का क्राइटेरिया है 21 से लेकर आपको 33 वर्ष, 21 से लेकर 33 वर्ष है। और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट हो जाएगा वो 21 से लेकर, मिनिमम तो 21 सबके लिए, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो 31 वर्ष हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 31 वर्ष आपका मैक्सिमम ओबीसी कैंडिडेट वाले छात्रों का एज लिमिट रहेगा। अब हो सकता है कि कोविड के चलते यहां पर एज में कुछ आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिले, ये बात अलग है। ये आपको कंप्लीट जब नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, तब आपको वहां पर कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कब से फॉर्म भराएगा आपको हम अभी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, सब चीज आपको जानकारी मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें इसमें नहीं है, एकदम सिंपल सी प्रक्रिया है कि पहले तो आपका रिटेन टेस्ट होगा, और जो रिटेन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन आपका रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कीजिएगा, मतलब कि रिटेन टेस्ट के बाद से आपका क्या होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद से आपका पीएचटी होता है। पीएचटी मतलब आपका ये होता है कि आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, आपके वेट को मेजर किया जाएगा, आपके चेस्ट को मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार जो आपका कट ऑफ बनता है वो आपको रिटेन एग्जाम के बेस पर बनता है, और रिटेन एग्जाम के बेस पर जो कट ऑफ बनता है उसमें आपने का कट ऑफ आप पार करते हैं तो आपको मौका कहां मिलता है, तो आपको पीएचटी और पीटी में मौका मिलता है। क्लियर। तो जब आपका पीएचटी हो जाएगा, मतलब कि आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, आपके चेस्ट को मेजर कर लिया जाएगा, तो उसके बाद से आपको मौका कहां मिलता है दोस्तों, तो आपको पीटी में मौका मिलता है। पीटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यहां पर आपको मौका मिलेगा, यहां पर आपको दौड़ यानी कि रनिंग कराई जाएगी, और उसमें जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहां पर आप जो है पास कर जाएंगे, तो उसके बाद भी एक कट ऑफ बनता है। देखिए, कट ऑफ यहां पे दो बार बनता है, एक तो आपका रिटेन एग्जाम के बेस पर,
और उसको आप पास करेंगे तो आपको मौका मिलेगा पीटी और पीएचडी के लिए, और फिर जब उसको पास कर जाएंगे तो फाइनल कट ऑफ बनता है, और उसके बाद से कोई कट ऑफ नहीं बनता, वो समझिए कि अंतिम आपका मेरिट लिस्ट होता है। और उसके बाद आपका जो जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आता है समझिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा इधर मतलब कि आपको जो है किसी प्रोसेस से गुजरना है नहीं, सिंपल आपका एग्जाम है उसके बाद से आपका फिजिकल है, सिंपल सी प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों हम रिटेन टेस्ट की बात कर लें, तो रिटेन टेस्ट में आपका होता है क्या, तो आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, मैथ्स के आपको जो है 40 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ढाई नंबर का, 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, एक क्वेश्चन ढाई नंबर का, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 में ढाई से तो 100 नंबर आएगा, यानी कि मैथ्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी के जो है 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ढाई नंबर का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि हिंदी के भी आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इन सबसे मिलाकर 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ढाई नंबर के, 100 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ढाई नंबर का, 100 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप अगर 40 40 40 40 आप टोटल ऐड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 120, और 100 100 100 100 आप ऐड कीजिएगा तो टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो जो रिटेन एग्जाम है सिंपल सा है कि भाई टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 400 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और इसमें सबसे खास बात यह है कि आपके यूपीएसआई के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां पर किसी गलती की वजह से आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यूपीएसआई में आपको नो निगेटिव, अंक आपकी गलती की वजह से नहीं काटे जाएंगे, सबसे बढ़िया बात यही है। तो अब देखिए दोस्तों जब आप इसको आप पार कर जाते हैं, इस फेज को पार करते हैं, तो आपको फिजिकल में आना होता है जहां पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी होगा। पीएचडी का मतलब यह हो गया कि आपकी हाइट को आपकी चेस्ट को मेजर किया जाएगा। तो हाइट और चेस्ट का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए हाइट की बात कर लें तो आप अगर जनरल हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस हैं, आप अगर ओबीसी हैं, तो आपके लिए हाइट कितना है तो 168 सेंटीमीटर। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, हाइट 168 सेंटीमीटर। लेकिन आप अगर एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति, तो आपके लिए हाइट मिनिमम रखा गया है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आपको हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया। ये मेल की हम बात किए, वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या फिर आपको जो है एससी है, तो आपके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है। लेकिन एसटी है, एसटी फीमेल में अगर कोई एसटी कैटेगरी के बिलोंग करेगा तो उसके लिए हाइट कितना है तो 147 सेंटीमीटर। फीमेल में एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट मिनिमम 147 सेंटीमीटर रखा गया। अब हम चेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए चेस्ट में आपको केवल मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। तो मेल में आप अगर जनरल हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस हैं, आप अगर ओबीसी हैं, आप अगर एससी हैं, तो उस स्थिति में आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर। तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ठीक है। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो चेस्ट की क्राइटेरिया 77 मतलब 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर, मतलब फूलने के बाद से कम आपका 82 होना चाहिए, कम से कम आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। चेस्ट में फीमेल का यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, यहां पर उसके लिए कुछ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब यहां पर रनिंग, रनिंग की हम बात कर लेते हैं। देखिए रनिंग में जो है दोस्तों यहां पे समझिएगा, जो मेल कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है रनिंग, उनके लिए रनिंग आपका 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की रनिंग आपके लिए टाइम मिलेगा 28 मिनट, 28 मिनट का आपको समय मिलेगा। मेल कैंडिडेट की हम बात किए, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए आपको देखिए यहाँ पे फीमेल यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, फीमेल के लिए जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर की रनिंग 16 मिनट में पूरी करनी है फीमेल के लिए, 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर, और मेल के लिए 4.8 यानी कि 4800 मीटर की जो रनिंग है 28 मिनट, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट का समय आपको मिलेगा।
तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अब हम बता देते हैं कि इसकी वैकेंसी कब से आ रही है। तो दोस्तों जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है वो अगस्त के लास्ट तक ये वैकेंसी किसी भी हाल में आपको आ जाएगी। अगस्त के लास्ट यानी कि अगस्त कहिए ना, अगस्त के बीच में आ जाए, मिड अगस्त में या फिर अगस्त के लास्ट में किसी भी हाल में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 2023। कब इसका एग्जाम होगा तो आपको जो न्यूज है उसके हिसाब से दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। तो कमर कस लीजिए, बहुत ही शानदार मौका है। 2 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो कमर कस लेना है और नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, अभी से तैयारी करना है और अपना एक सीट पक्का करना है। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी करेगा उस पर जो है थोड़ा मतलब कि कहीं ना कहीं जो है उसकी कमी रह जाती है। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए आपको हमने जो बताया उसको फॉलो करते हुए एक सीट चाहिए, तो आपको अभी से वर्क करना है, मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में। जय हिंद।